ਵਾਧੂ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਔਰ ਵਜ਼ਨੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇਰੇ ਵੇਹ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਬਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਫਕੀਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ दसो जरा बहुत कुछ हुआ है सबने सभी ने यही कहा कि गाहक नहीं आएगा कुछ भी हो सकता है लेकिन अलग लाहौर की मंडियों में जो यहाँ पे व्यापारी दूसरे शहरों से आए हैं वो अपने साथ कितने जानवर लेकर आए थे? कल ईद है यानी कि एक दिन बाकी है इस वक्त और अब तक व्यापारियों के पास टोटल कितने जानवर बचे हैं, इस हवाले से हम यहाँ पर मौजूद व्यापारियों से बात करेंगे और एक और सवाल उनसे पूछेंगे कि कोरोना की वजह से कहा जा रहा था कि यहाँ पर गाहक कम होंगे, उनके जानवर ऐसे ही वापस जाएंगे, तो क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये हम व्यापारियों से जानते हैं। तो आइए चलते हैं व्यापारी की तरफ जो मंडी में बैठे हैं इस वक्त। कहते से सारी कोरोना कोरोना है, गाहक नहीं निकलेगा बाहर, गाहक नहीं निकलेगा। थोड़ा की ख्याल है, गाहक आया थोड़े को? जी आया, निकल गया माशाल्लाह। थानू की उम्मीद से कि आएगा गाहक? जी बिल्कुल, उम्मीद सी जी। या थानू भी कोरोना ने डर सी, खौफ सी? नहीं, मतलब मैं पूछ रहा कि तुम की सोच रहे थे कि गाहक इस बारी आएगा नहीं आएगा, कोरोना है लोग जड़े? बाकी अल्लाह दे तवक्कल दे सबने काम कीता है जी। अच्छा अच्छा जी, निकल बाकी मालिक, हां जी मालिक रोजी देने वाला आएगा जी। ठीक है, गुजारा हो जाएगा जी, गुजारा हो जाएगा। आप आज तक रात निकल जाएंगे आप? जी आज इंशाल्लाह, ये थोड़े डंगर रह गए, तीन गाड़ी हम लेके आए। तो ये सारे निकालना जरूरी है कि लेके भी चले जाए? कोई मसला नहीं, अगर बच जाएंगे तो ले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं, वहाँ पे निकल जाएगा कसाईयों के पास वगैरह? जी वो कम रेट होगा, 10-12 हज़ार कम रेट। अच्छा, इससे कम रेट होगा जी, ठीक होगा। जिला पार्क बच्चा के नवेड़ी। अच्छा, कितने जानवर लेके आए? अस्सी लेके आए से 24 जानवर। कितने जानवर निकल गए? सारे निकल गया, एक कजन है। अच्छा, एक ही रहा, वो भी कजन है, थोड़े सारे जानवर निकल। हाँ जी, चले। तुम जो सब तो सस्ता बेचे जानवर, कि रेट से? सब तो सस्ता जानवर असी बेचा 37,000 का। 37,000 का? हाँ जी। तो सब तो जरा भाई की कर रहे, जो सब तो जो वाला बेचा जानवर महंगा, जो सब तो महंगा जानवर बेचा वो तकरीबन 95,000। जो 95,000 वाला सी ओदा वजन कितना सी? 4,500 निकल जाएंगे। आप कहाँ से आए? पाकपतन शरीफ से। अच्छा, कितने जानवर लेके आए थे? तकरीबन 12 जानवर लगे। तो निकल गए 4 रह गए। 4 रह गए। जो आपका सबसे कमज़ोर जानवर था, जो कम रेट पे आपने बेचा, उसका रेट कितना था? 55,000। उनका वजन कितना सी? वजन है कि 2 मन। 2 मन वजन सी। अच्छा, तो जेड़ा सब तो बड़ा जानवर सी ओदा कितना वजन सी ते कितना रेट लगे? वो है 18-20 मन। 18-20 मन दा ते रेट कितना लगे? 2.5 लाख। 2.5 लाख। अच्छा, एक कोरोना तो पहले ये तासुर दिया जा रहा है कि गाहक नहीं आएगा, ऑन जी है कि नहीं? गाहक आया, गाहक वधू आया, वधू आया, वधू गाहक आया और वजनी बच्चे भी आइए खलोते हैं। अच्छा, यानी कि जेड़ा पड़े हैं और अभी भी गाहक आ रहा है? अभी भी गाहक आ रहा है, लग रहा है किसी तरीके से। ये जोड़ा 8 लाख का है, ये वाला? ये वाला सही है। ठीक है, शुक्रिया। असलम साहब कहाँ से आए आप? आरिफ वाले से। कितने जानवर लेके आए थे इस बार? 10 जानवर। तो कितने निकल गए? निकल गए 8। 8 निकल गए, 2 बच गए। आपका जो सबसे कमज़ोर जानवर था वो कितने का? कमज़ोर जानवर है सी 80 का। 80 का। उसका वजन कितना सी? वजन होगा 3 मन 3.5। 3 मन से। तो जड़ा सब तो बड़ा जानवर सी उधर रेट कितना सी, उधर वजन कितना सी? वो 4 मन दा 1,10,15,20। अच्छा, एक तासुर दिया जा रहा है कि कोरोना आ गया, बाबा जी गाहक नहीं आना था, व्यापारी मारे आ जाएगा, व्यापारी ने इंज कर देना उंज कर देना, तो कुछ होया फर्क पड़ा गाहक आया? ना ना गाहक आया बल कोरोना वैसे ही खत्म इस तरह हुई भी इन्होंने कोरोना का नाम लिया जो अल्लाह करे वो ही होता है। तो माशाल्लाह आपका माल निकल गया सारा। हाँ जी, गाहक आया आपके पास? हाँ, आंदा है, बस जो मुकद्दर है वो बिकता रहता है। कितने जानवर लेके आए थे इस बारी?
खानदानी पेशा है कि बाद च खानदानी तालुक किधर नु तुहाडा जी किस शहर तो तालुक रखते जिला उकाड़ जिला उकाड़ जानवर किधर दे ने जानवर उधर दे साहिबाल उकाड़ा जी सब तो जेड़ा कम रेट ते बिकया है सारी बड़ा जानवर वो किन्ना रेट से होंदा 65000 ओदा वजन किन्ना सी वजन 3 3 मा तो सब तो जेड़ा बड़ा महंगा जानवर बेचया ओदे रेट की सी वजन 2 एकड़ 2 लाख दा ओदा वजन किन्ना सी ओदा वजन 8 मा तो वैसे ये उम्मीद की जा रही थी कि जानवर नहीं निकले के व्यापारी इस दफा भरूसों के जाएगा कहा जा रहा पहले था पहले शुरू माशाल्लाह वो नहीं आया काम बिक गया जानवर ये भी निकल जाएगा उम्मीद है हाँ जी बिल्कुल निकल जाएगा बीस थे आपके पास कितने निकल गए सिर्फ दो तीन दाने रह गए तीन दाने रह गए जो आपने सबसे महंगा बेचा वो कितने का बेचा 3.5 लाख कितना वजन था उसका उसका वजन है सर 14 माह ये तासर है सी कि कोरोना आ गया गाहक बाहर नहीं आएगा गाहक जी 70000 है गाहक आया सी हाँ जी आया जरूर है कोरोना की वजह तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल निकल गया निकल गया कितना वक्त हो गया था आपको सालों हो गया 10 दिन हो गया 10 दिन हो गया 10 दिन में आपका 19 जानवर 18 जानवर निकल गया माशाल्लाह सबसे कम रेट वाला जानवर कितना का बेचा आपने हमने बेचा जी 20000-22000 वाला 20000-22000 और सबसे महंगा कितना का बेचा वो 80000-85000 का बेचा तो ठीक था रेट हाँ जी भाई वैसे शुरू में ये कहा जा रहा था कि कोरोना है लोग खरीदारी नहीं करेंगे ऐसा कुछ हुआ नहीं ऐसा पिछले साल से भी ज्यादा लोगों ने जानवर खरीदा और कुर्बानी अल्लाह के राह पे ज्यादा दी आपके ख्याल में जो आपने रेट निकाले उसमें आपको वारा हो गया हाँ जी माशाल्लाह आप खुद पालते हैं या खरीदते हो नहीं खरीदते हैं मार्केट से खरीदते हैं तो आपका मतलब खानदानी पेशा या अभी आया नहीं खानदानी पेशा खानदानी पेशा आपका ताल्लुक कहाँ से जिला उकाड़ा जिला उकाड़ा से तो जानवर साहिबाल के साथ जी हमें ना वो 8-9 साल हो गए ये काम करने को ये बताएंगे ये कहा जा रहा था कि कोरोना की वजह से कोरोना के लिए ये माल जो अभी खड़ा हुआ ना ये चांद रात से एक दिन पहले खत्म हो जाता था ठीक है बिल्कुल खत्म हो जाता था अभी तो चांद रात शाम पे अभी माल गिरा वादू खुद ठीक है रेट नहीं दे रहे उस हिसाब ने उन्होंने एक बच्चा मैं 35 का लिया 15 का दे के आया 20 घाटा खाधा मजबूरी है सवेरे की बनेगा खाना खराब आप कितने जानवर टोटल लेके आए हम अगे भेजने 30-35 जानवर आज 10 जानवर है कि भेजने पास बड़ी मुश्किल है मगरों लग गए 15000 काटे तो आपका ये कहना है कि गाहक कम है गाहक कम है उन्हें खाना खराब करता मरा खाने से अच्छा जी हाँ जी ऐसे छड़े ही साढ़े पले कुछ नहीं उन्हें भाई किधर आए तो तालुक किधर से सर मियां चने कितने जानवर आए थे थोड़े साढ़े 50 जानवर निकल गए ने नहीं रहते हैं बस किन्ने निकल गए किन्ने रह गए ने 14-15 रह गए हैं दूजे निकल गए सब तो जेड़ा छोटा जानवर सोदा की रेट से 5 लाख से अंदर नहीं जेड़ा सब तो छोटा तो सी बेचे है हां जी किन्ने दा बिकया सी सब तो छोटा हां 2 लाख किन्ना वजन सी वजन बस सही तो 7-8 मान सब तो बड़ा जे तुसी जेड़ा बेचे है ओ किन्ने ओना किन्ना वजन सी ओंदा 12 मान 12 मान वजन सी हां जी 7 लाख दा बिकया 9 दा जी 9 लाख दा जी सर एक ही जानवर हां जी थैंक यू भाई किधर आया फकीर साहब दसो जरा किन्ने पार्टनर थे टोटल माल खरीदया तीन पार्टनर फकीर हुसैन पैसे किधर रखते हो पैसे बोए में सर नहीं ये पैसे जब गाहक से लेते हो इधर तो चोर शोर भी होते हैं ना नसरबाज भी आते हैं जेब काटने वाले भी आते हैं बेहोश करने वाले भी आते हैं जानवर चोरी करने वाले भी होते हैं सर हम जो 5-6 बंदे होते हैं ना उसमें 2 जो है ना पैरा देते हैं अच्छा पैरा देते हो सारी रात वो सोते नहीं अच्छा बाकी जो हैं वो आराम करते हैं ठीक है अगर उनको नींद आनी है ना तो वो दूसरों को उठा ले भाई जान तोड़ा जानवर जी सर कितने जानवर लेके आए थे इस बार एक लेते हैं कितने जानवर एक
एक एक ही जानवर लेके आए हो? जी वही तो 60 से। नहीं नहीं आप टोटल 60 लेके आए थे? जी सर। सारे निकल गए? सारे। कितने बच गए? बाकी 5 बच गए। 5 बच गए जी सर। जो आपने सबसे कम रेट पे बेचा वो कितने का था? बस सर यही है, बस 1000 रुपया बचिया हुआ, सारा खर्चा बचा। कीमत कितनी थी उसकी? हाँ जी कीमत कितनी थी? 60, 65, 70। तो सब तो वड्डा कितने का बिक गया? सब तो 80 का 90 का। कितना वजन होता है 80 वाले का? वो वजन तो होता है तोल नहीं कितना। 5 मार। आपका ताल्लुक कहाँ से? हाँ जी महाजर। महाजर आप किस इलाके से हैं? जंग से। जंग से हैं जी सर। शुक्रिया। जो शुगर माफिया सबसिडी देंगे ना अपने साढ़े वर्ग व्यापारियों भी देने जो इन दूरों जानवर लेके आते हैं। आप चाहते हैं आपको भी सब्सिडी मिले? बिल्कुल, जब अपने वो एटीएम को दे रहे हैं तो हमें भी देनी चाहिए। एटीएम से मुराद आप जहांगीर तरीन साहब को? जी जो उनके हैं दाएं बाएं जो खड़े होते हैं। ठीक है, जहांगीर तरीन साहब तो नाराज हो गया सुना, चले गए? हाँ चले गए, लेकिन वो जान के भेजा गया उनको, चले नहीं गए। भेजा गया, चले नहीं गए। बिल्कुल ठीक हो गया, शुक्रिया। हाँ जी कितने जानवर थे साढ़े को? साढ़े को 15-16। 15-16 कितने निकल गए? सारे निकल 4 खड़े ने। 4 खड़े ने। अच्छा ये तासुर हैगा सी कि जड़ शुरू में आए सी कि कोरोना आएगा कस्टमर नहीं आएगा? कोई कोरोना नहीं है, मैं कूड़ मार दे। आई है मां? ना बड़ी मां आई है। खिच के आई है? खिच के। अच्छा माशाल्लाह सौदा चंगा हो गया? सारा चंगा हो गया। चलो जबरदस्त, थैंक यू। 30 जानवर लेके आए? जी जी 26 निकल गए। जी 26। सब तो जिहड़ा कम रेट ते विकया ओदा की रेट सी? ओ तकरीबन 1,20,000। ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਜ਼ਨ 4.5 ਮਾਰ ਗੋਸ਼ਤ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 26-27 ਮਨ ਵਜ਼ਨ। ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ? ਰੇਟ ਉਹ 7 lakh ਦਾ ਸੀ ਜੋੜਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। 7 lakh ਜੋੜਾ? 7 lakh ਦਾ ਜੋੜਾ। ਤੋ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਓ ਕੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? तो तकरीबन यहाँ पर 70-80% जो व्यापारी यही कह रहे थे कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा कोरोना के बावजूद, लोग आते रहे। जिनके पास 20 जानवर थे आज उनके पास बमुश्किल 1, 2, या 3 जानवर ही बचे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे चैनल डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।